जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे पछतावे में जरा सी भी सच्चाई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। Just now I told you, ये लवीना है अनुभवी की छोटी बहन। बहुत खूब, ये मत भूलो कि तुम एक मर्द हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें उसे अपनी मर्दानगी दिखानी होगी। अगर तुम मर्द हो तो आनंद लगता है बेहोश हो गया, क्या करूं? जो भी हो, वजह सिर्फ तुम ही हो। तो कोई तीसरा रिश्ता है? तुम मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। जिस तरह तुम्हारी दी हुई बदनामी की आग ने मेरे अपनों को लील लिया और उसी तरह मेरी आ भी तुम्हारे अपनों को भस्म कर डाली। आओ सिकंदर। क्या हुआ आनंद को? कुछ भी तो पता नहीं, अपने कमरे में था, गिरा और बेहोश हो गया। अभी तक होश नहीं आया उसको। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है सिकंदर, जाने क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, कैसी कंडीशन है आनंद की? एनीथिंग सीरियस? अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक कि उन्हें होश नहीं आ जाता। तो तब तक हम ऐसे ही बैठे रहे? हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखिए सक्सेना साहब, होता है ऐसा कभी कभी। मैं जानता हूं ये सिर्फ शकुंतला के शराब की वजह से। उसने कहा था कि उसका बेटा मुझसे बदला लेगा। किस बात का बदला लेगा? कुछ कहा तुम? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि किस बात का बदला लेगा? बदला कैसा? देखिए सक्सेना साहब, आपके बेटे के बारे में कुछ खबर मिली है मुझे। मेरा बेटा? अब वो मेरा मतलब है कि आपके रिलेटिव का बेटा बहुत जल्द मिल जाएगा। ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा है? किसकी? अरे वही शकुंतला की। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी कोई दुश्मनी थी उस औरत से? मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उससे? तो फिर इस तरह से सोचने की वजह? सिकंदर, पता नहीं मैं क्या उल जुलूल बके जा रहा हूँ। आनंद की वजह से मेरा दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं है। I'm sorry. हाँ ऐसा होता है। आप बैठिए, मैं जरा अंदर होके आता हूँ। हाँ जाओ। कब क्या कैसे हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अब दिन भर तो भला चंगा था ये, और अब ये हालत हो गई। एग्जैक्टली से हुआ क्या? मेरा मतलब है कि कैसे? दरअसल जब देखा तो
जमीन पर बेहोश पड़े थे। कहीं ज्यादा शराब चढ़ तो नहीं गई थी? शराब? अच्छा हुआ कि सक्सेना साहब को पता नहीं चला, वरना बहुत दुख पहुंचता उनको। पर आपको कैसे पता चला कि आनंद ने? शाम को मेरे साथ ही तो था ये, बहुत टेंशन में था, शायद इसीलिए ज्यादा शराब पी गया। कुछ आपको बताया कि किस बात की टेंशन है? नहीं इतना तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं मैं कि इसे किसी लड़की से प्यार था और बहुत अपसेट था, ये आज भी था। मैंने सोचा कि यहाँ आकर कहीं उल्टा सीधा ना कर बैठे। जब आपको सब पता ही है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अंकल को ये सब प्लीज। डोंट वरी, ये आपके मेरे बीच की बात है, ओके? अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या? डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कहीं से? आओ सिकंदर बैठो। नहीं नहीं सक्सेना साहब, देखिए अभी मुझे जरा चलना पड़ेगा, वही आपके काम के सिलसिले में। ठीक है अगर तुम्हें जल्दी है तो रोक कैसे सकता हूँ तुमको। देखिए अब आप खामोखा चिंता कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा आनंद को, हौसला रखिए। मेरी कोई ज़रूरत हो तो याद कर लीजिएगा। मैं तो वैसे ही तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब पराया मत बनाइए, मैं चलता हूँ। माँ माँ क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। खुश होने की बात तो है ही, मैंने तो सिर्फ आनंद को लविना के खिलाफ भड़का कर एक छोटी सी चाल चली थी माँ, लेकिन उस चाल का ऐसा असर हो जाएगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। और उस छोटी सी चाल की वजह से सक्सेना के घर में बहुत कुछ हो चुका है माँ। क्या हुआ है जरा मैं भी तो सुनूं। आनंद को अब तक होश नहीं आया है माँ। अच्छा? और डॉक्टर भी ना कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और जनार्दन सक्सेना के क्या हाल है? बहुत बुरी हालत है उसकी, तड़प रहा है वो तुम्हारी औलाद के लिए। सच कह रहा हूं मां, उसको तो अभी भी यही लग रहा है कि इसके पीछे उसी का हाथ है। बिल्कुल सही सोच रहा है ना मां? मां एक बात बताओ, ये आनंद का क्या किया जाए? उसे अभी कुछ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों मां? पहले एक बेटा गंवा चुका है, अब यही दर्द उसके लिए काफी है। एक बेटे से हाथ धोने के बाद दूसरे को ऐसी स्थिति में देख उसकी बहुत बुरी हालत है मां। बहुत बुरी हालत है, काश उसकी ये हालत मैं तुम्हें दिखा पाता मां। तड़प रहा है वो, गिड़गिड़ा रहा है। अब तो उसे सारी जिंदगी गिड़गिड़ाना ही होगा। मेरे हिसाब से अब तक होश आ जाना चाहिए। तो अब क्या हो गया आपके हिसाब को? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है मतलब? अरे यही बात कहनी थी तो आप पहले कहते, हम खाब के भरोसे पे बैठे रहे हम। सक्सेना साहब और कोई रास्ता भी तो नहीं था? आपके पास नहीं था, मेरे पास था, हम लोगों के पास दूसरा रास्ता। हॉस्पिटल ले जाते, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते, लेकिन आप ही ने भरोसा दिया था कि डॉक्टर साहब अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। पापा पापा देखिए भैया को कुछ भी नहीं होगा, और आप तो
हमेशा हम लोग को समझाते रहते हैं कि ऐसे वक्त में सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए, और अब आप ही। बेटा बेटा, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। सक्सेना साहब, प्लीज कूल डाउन। मैं देखता हूँ ना। अरे क्या देखेंगे अब आप? अंकल प्लीज, अब शांत हो जाइए। डॉक्टर आप देखिए ना प्लीज। सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब देखिए, अगर भैया को जल्दी होश नहीं आया ना तो पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज आप कुछ कीजिए ना, देखिए ना। मेरे ख्याल से आनंद को अब किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? अब क्या मुसीबत आ गई है, फोन काट भी तो नहीं सकता। हेलो। हाँ सिकंदर जी। सक्सेना साहब, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आनंद को होश आ गया। अब घबराने वाली कोई बात नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब ऐसा कीजिए, आप भी आराम से सो जाइए। ओके ओके सिकंदर, गुड नाइट। गुड नाइट सिकंदर। क्या हुआ बेटा? आनंद को होश आ गया माँ। अच्छा, अब कुछ दिनों के लिए उसे अपने बेटे को खोने के गम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये मोहलत भी उसे तुम्हीं ने दी है। जब आनंद की बारी आएगी तब जनार्दन का क्या होगा मां? अब तो सो जा बेटा, वक्त से पहले अपने सर को ज्यादा भारी मत बना। मॉर्निंग बेटा। अरे गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आनंद? एकदम ठीक हूँ। ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही ठीक रहो। अरे लवीना आओ बेटा आओ। आनंद जी, पता है बेटा, अनु और लवीना ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा, वरना मैं तो बहुत ख्याल किया इन लोगों ने। वैसे तुम सब के लिए खुद जिम्मेदार हो। हाँ मुझे मालूम हो गया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा बदपरहेजी करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बाहर का खाना खाने की? शिव गैस हो जाती है, देखा ना नतीजा, गिर पड़े, बेहोश हो गए। टेंशन हो जाता है बिलाव जी के वास्ते। डॉक्टर हालांकि कह रहे थे कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर मुझे तो टेंशन हो गया ना, बाप हुआ फिर तुम्हारा। ये दवा खा लीजिए। हाँ चलो दवा खाओ और आराम करना, सिर्फ आराम। आज ऑफिस ऑफिस नहीं जाओगे तुम। जी डॉक्टर। ये लीजिए। थैंक यू लवीना। लवीना,
तुमने ना सिर्फ पापा से सच छुपाया बल्कि डॉक्टर को भी मैनिपुलेट कर लिया। इसके लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। सच अगर पापा को पता चलता कि रात मैंने शराब पीकर ऐसी हरकत की तो बहुत तकलीफ होती उन्हें। वो बेटा जिस पर उन्हें इतना गर्व है उसकी ऐसी हरकत देखकर बहुत गहरा सदमा लगता उन्हें। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू लवीना। एक बार लवीना लवी प्लीज रुक जाओ। नहीं दीदी मेरा रुकना अब ठीक नहीं होगा। देखो वो कल की बात का प्लीज बुरा मत मानो। वो क्या था ना कि भैया को ऐसी हालत में देख करके मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। जानती हूँ दीदी, सब समझती हूँ। तो फिर रुक जाओ ना। नहीं दीदी, जाने अनजाने जैसे भी मेरी वजह से इतना कुछ हो चुका है, अगर मैं और रुकी तो खुद से ही भागना मुश्किल हो जाएगा। मेरे यहाँ से चले जाना ही सबके लिए ठीक है। ये क्या हो रहा है? सामान क्यों पैक कर रही? मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। अगर क्यों? क्यों मतलब? जाना तो आखिर था ही। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह अचानक जाने का क्या मतलब? बस ऐसे। देखो लवीना, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से जा रही हो, लेकिन कल रात के लिए और हर उस बात के लिए जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो, मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज डोंट गो। अच्छा नहीं, मैं नहीं रुक सकती आनंद। इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? ओह कम ऑन आनंद, माफी वाली कोई बात नहीं है। जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। एक्चुअली अब मेरा और रहना यहाँ बड़ा ही अजीब लगेगा और मेरा दिल भी इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। हाँ तो हमें भी अजीब लगेगा, हमारा दिल भी इस बात की गवाही नहीं देता है कि तुम इस तरह यूं अचानक चली जाओ यहाँ से। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ, बट तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सब आई प्रॉमिस यू सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं आनंद, मैं और नहीं रह सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एज यू विश। लेकिन जाने से पहले पापा को तो वजह बतानी होगी ना, और वो वजह पूछेंगे जरूर। तो मुझे नहीं लगता कि मैं या भाभी, हम दोनों में से कोई उन्हें ये वजह बता सकता है। तुम उन्हें क्या बताओगी? जो कुछ भी मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ वो तो नहीं बताना चाहोगे ना तुम। देखो लवीना, जस्ट थिंक अबाउट दिस प्लीज। वो लोग पूरी तरह शिंपू को ही कातिल मानते हैं और किसी भी कीमत पर उसे सजा दिलवा कर ही रहेंगे। ये मल्लिका ने नैंसी को कहां गायब कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि नैंसी का काम तमाम कर दिया गया? You're my only one।